खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरा मैडम। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत कैसी है मैडम? तबीयत आप कौन है? मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर बात कर रहा हूँ, शाली बंडे से। मैं जी बोलिए, दो मिनट बात करना है मैडम, बिजी तो नहीं है ना मैडम? बोलिए भाई, सुन दूं भाई। जी आओ, तो दो मिनट बात करना था, एक आवाम के बीच में मेरे को दो सवाल करना था कि अपने हैदराबाद में हर दिन मर्डर हो रहे, ये तीनारा बच्चों को छोटे टारगेट बना रहे, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दीजिए ना मैडम आप। सही बात जी मैडम। जी हाँ, सही बोले आप, बोले किसको दे बोलिए आप स्टेटमेंट दी ना मीडिया के सामने मैडम। अब ये आवाम के बीच में है, मैं आपसे जो बात हो रही है तो ये रिकॉर्डिंग भी डाल रहा हूँ मैं, आपको इसलिए बोल दे रहा हूँ मैं। तो मेरा ये सवाल है मैडम, आजकल ये खतरनाक हो रहे, कत्ल कर रहे, 3 महीने जेल में रह रहे, फिर उसके बाद छूट जा रहे, फिर हैदराबाद में नंबर 1 पे गांजा अच्छा चल रहा, ये मेडिकलों में इंदिशाना, ये पुलिस को चाहिए कि बेगम बाजार में जितना भी है अपने धूलपेट में है, अगर ये पुलिस चाहे तो गांजा बंद हो सकता मैडम। जिंदगी लोगों की तबाह हो जा रही है गांजे से। सही बात। तो मैडम उसके लिए कई बातों के हर मुद्दे पे सवाल उठा चुकी, चुप कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई फर्क पड़ने वाला है, सुने आप। और इस बात के पर ये भी बोली मैं, यूरोप के गुलामी पे हुए तुम रजामंद, गिला तो तुमसे यूरोप से नहीं बोलते, क्या नहीं मालूम है? बोली आप, इतनी छोटी से छोटी चीज की 1 मिनट में पीएस में मकबरी हो जाती है, पीएस में 200-300 मकबरा है, सही बात बोले। तो ये कौन कर रही है, गैंग कौन मेंटेन कर रही है, ये सब है कौन, ये सारे चीजों का नहीं मालूम कर सकती पुलिस? कुछ कर सकती अच्छा मैडम, ये पुलिस ने तो एरिया के लोगों का तो काम है ना, जो भी करता धरता है जी। नहीं है, सही बात है मैडम। या भाई, जिसके हाथ में हुकूमत है उनका काम है सब चीजों के ऊपर फिकर करना, आवाम तो आवाम है ना भाई, हम ही तो आवाम है, समझे? हमें चैरिटी शो कराए, ठीक है, हजारों की तादाद में लोग आए, एंजॉय करे, चले गए और रुपए निकाल के नहीं दिए कोई चैरिटी, सही बात है, समझा? तो सब रास्ते बता दिए, देखो ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, अच्छा काम करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है करने को, अपन चाहे अगर तो बहुत कुछ कर सकते, जब इंसान करना ही नहीं चाह रहा तो रख के भी नहीं करता। आप बताइए, क्या मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, कोई मेरे को कहीं से कोई मैं कोई पावर में हूँ, कोई मेरा कोई सीट है मेरी, सही बात है, या मेरा कोई किसी से कोई लेन देन है, सही बात है, यहाँ से लेके वहाँ तक बताइए आप, कोई मेरे ऐसे कोई कारोबार है, आज तक कोई पुलिस में मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कोई ब्लैक मार्केटिंग करती हूँ, या समझे आप कोई भी मेरा गलत फलत कोई कारोबारों में मेरा अमल दखल है कहीं बता सकते? नहीं। तो सारे सवाल आप मेरे से, मतलब मेरे से पूछ सकते ना भाई, जब चाहे जो चाहे, सही बात है। फिर जब इतना पैसा कमा रहे हैं अवाम के सवाब सबके में, कहाँ है और लोग आप कमा के कहाँ है, पैसा कहाँ है? देखिए भाई, 10 जने मेरे को अलग करे, उनके वोटों से मैं अलग हुई, सेलेक्ट हुई, मैं आई, तो मेरा काम क्या है? 10 जनों का एहसान मानना ना भाई, 10 जने एक जगह मेरे लिए आवाज उठाए तो मैं यहाँ तक आई, तो मैं उनका एहसान मंद होकर उनका मैं हक अदा करना, तो आवाम का हक जो अदा करना है उन्होंने करना, समझे आप? खैर वैसे आपको ये मेरा नंबर कौन दिया नहीं मालूम, ये नंबर मेरा पर्सनल है, समझे आप जी? तूने तो खुदा मेरा नंबर जो है दूसरा नंबर है मेरा, ये मेरा ज्यादातर मैं यूज इसको पर्सनल करती हूँ, कोई नहीं, वो खुशी हुई आप। नहीं, मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है मैडम, ये देखिए मैं भी एक सोशल मीडिया पे ज्यादा आती हूँ, मेरे रिकॉर्डिंग आप सुनते होंगे, मैं खुसूसन फोन कहीं को करा बोले तो मेरे को बहुत लोग फोन करे थे, आजकल लेडीज भी क्या कर रहे हैं, आजकल इलीगल महिला मंडल ना डाल के लोग हजारों रुपए लोगों से लूट ले रहे मैडम, ये क्या है, ये कौन सा हजारों ने भाई, हर केस को 50,000 समझे 1 लाख तक चार्ज कर रही, परसों का किस्सा हुआ था, देखिए सीमा बल के महिला मंडल जाखुदपुरे का, देखे ना हकीकत पूरी सामने आ गई, जाके लोगों से मिल रहे, बीजेपी से मिल रहे, कहीं वहाँ मिल रहे, तो ये गलत है ना मैडम? अगर आप ले रहे पैसे तो ये गलत है, किसी का मेहनत का पैसा, एक हाथ पे आता आदमी, अरे उसने मिला है तो अच्छा, नहीं मिला है तो क्या है मालूम, झूठे कैसा बुक कराते रहे ऐसा ऐसा बोल के, ये तरीका है कोई गलत? देखिए अगर मैं चाहूँ तो 2 सेकंड के अंदर ये बात को एक्सपोज भी कर सकती हूँ जी, समझे जी। अभी पिछले ही महीने नवंबर में मेरा प्रोग्राम हुआ, ये लास्ट मंथ समझिए आप, लास्ट मंथ मैं बच्ची को 4.5 लाख रुपए दिलाई जी, उसका हक बच्चों का कम्पोजिशन
जो कि उन लोग ऑलरेडी तलाक ले चुके थे, ठीक है, मैं उसको कोई लेके आके मीडिया में नहीं बताई मैं, सही बात है, क्यों किसी भी बच्ची को एक्सपोज करूँ। देखो ऐसे पचासों किस्से जो मैं करते रहती, मतलब हर चीज को मैं एक्सपोज नहीं करती ना मैं देखिए मैं ऐसा कर रही हूँ, बन बांट रही हूँ, मौज बांट रही हूँ, अनार बांट रही हूँ, सही बात है, वो तो अच्छा बातें रहती हूँ आए दिन, पचासों कामा करी तो एक चीज बताती हूँ मैं उसमें। सही बात है, अब देखो जैसा कि अब आप मेरे से सवाल करें, मैं ये बात के ऊपर बहुत सीरियस हूँ मैं, आप जो ये बात बोल रहे हैं, बच्चे जो ड्रग्स ले रहे हैं, थिनर्स ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, सारी जो भी है तो नशे की चीजें यूज कर रही, ये रैकेट कैसा ने पकड़ा था भाई, आपने को बोलिए डाल दिया कर गोशा महल में पूरा धूलपेट में, तो पूरा बना था टपले पूरा तकरीबन वहां से आता मैम, क्या करते मैडम आप, अपनी हुकूमत सही नहीं है ना मैडम, क्या करेंगे बोलो। नहीं मैं एक बात बोलती हूँ, जैसा कि क्रिमिनल फील्ड से मेरा भी ताल्लुक रहा था, जब कभी अगर कोई केस में मैं वांटेड रही तो मेरे फोन ट्रैप होते थे, मैं कहाँ हूँ लोकेशन पता करके अरेस्ट करने की कोशिश करते थे, समझे आप बात को, चौरस्ते को रास्ता नहीं बता सकते, डिपार्टमेंट को कोई चीज से बता नहीं सकते, देखिए वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा, हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है लॉकडाउन में, खास तौर से ये सारे चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मैं लाइफ में बोल चुकी हूँ, मेरे कई वीडियोज है बाबा ये बारे में, ये मुद्दे पर बात कर चुकी मैं, ठीक है आप, मैं अकेली लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, आप अकेले लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक तो ब्लो देखिए जो बच्चों के साथ हो रहा है उनके माँ बाप को हल नहीं है, उनके माँ बाप का काम नहीं है करना चाहिए ना, उनके माँ बाप को नहीं मालूम उनका बच्चा क्या कर रहा, उनके माँ बाप रहेंगे तब तक उनके औलाद के साथ यही सुलूक होगा, बच्चे गाड़ियाँ स्पीड में चला रही, एक्सीडेंट होके रोड पे मौत हो जा रही उनकी, और ये गलत हो रही, सही बोलिए, कंटा मार लेते फिर रहे रोडों पे, माँ बाप रोक रहे हैं ऐसे बच्चों को, नहीं रोक रहे, आज मैडम तीन बज के 35 मिनट में नेकलेस रोड पे मुसलमान बच्ची दो बच्चों के साथ है हिंदू, जैसा देखी तो ये माँ बाप क्या है मालूम, बच्ची को इत्यादि करना, बच्ची कॉलेज से कब जा रही कब आ रही, और प्रिंसिपल का काम है कॉलेज के सरकार के फलानी बच्ची नहीं आ रही तो महीने में पूरा रिकॉर्ड बताना एक दिन कहाँ गई, ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे लगा ये कॉलेज वाले मैडम, बिल्कुल आपकी बात, एक बात भी आप गलत नहीं कर रहे हैं भाई, आप जो भी है अल्लाह आपको, नहीं नहीं ये बात बता रहे मैडम, मैं यहाँ से दौरा करा निकले जी हाँ भाजी, मैं ये मसला क्या है मालूम, माँ बाप इत्यादि करना, आजकल फोन में बहुत बड़ा खत्म हो गई जिंदगी, फोन अच्छी बुरी चीज है, एक बटनों का फोन रहता वो अच्छी चीज है, अब ये 4G फोन निकलने से क्या है फेसबुक से माहौल खराब होगा, अच्छा बुरा हर चीज बता दे रहा उसमें, किसी से चैटिंग करना है, किसी से नहीं मिलना है, क्या करना है, फोन से पूरी जिंदगी दबा हो जाती, तो माँ बाप को चाहिए कि बच्ची को बटाना वाला फोन देना, बच्ची स्कूल को कब जा रही कॉलेज को कब जा रही, माँ बाप नजर रखना ही है, ये कॉलेज वाले करना दो टाइम फोन, बच्ची आई अम्मा फिर घर को जा रही अम्मा टाइम पे बोल के पूरा रिकॉर्ड बताना माँ बाप को, आज बच्ची एक घंटा कॉलेज में रह के क्या करे, 3 घंटे बाहर फिर स्कूलों में कॉलेजों में पार्कों में हर जगह वैसी छोरा मैडम, माँ बाप का है करना ये इत्यादि माँ बाप की है, सिर्फ सारा पैसे ले ले रहे बीजा दे रहे पैसे ले ले रहे बोले तो कैसा मैडम, सही बात है बाजी तो जी ठीक है बाजी, आप मेरे से बात करिए, शुक्रिया आपका बहुत 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 जजाकल्ला, आप मेरे को आपका ये नंबर में है आपका सेव कर लेती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह।